दोस्तों, ये इस्लामाबाद की मार्केट है ताजरों की। यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका काम की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम बनी हुई है। ये एक हमारे डॉक्टर साहब सामने खड़े हैं, तो इनसे हम पूछते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, तो अभी मिलते हैं इनसे। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं इस वक्त इस्लामाबाद से G32 से बात कर रहा हूँ आपसे। आज कुछ बेसिकली इश्यूज थे जिनके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं। माशाल्लाह से गवर्नमेंट के जितने भी काम हैं बहुत अच्छे हैं इस वक्त, स्पेशली ताजरों के हवाले से भी जो सपोर्ट किया है, ओवरऑल कोरोना के ऊपर भी जो एक्टिविटीज़ है गवर्नमेंट की बहुत अच्छी हैं और अप्रिशिएटेबल हैं। एक इस्लामाबाद के ताजरों का मसला है, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, गवर्नमेंट के जो बड़े हैं उनके तक हमारा मैसेज पहुँच जाए। अब यहाँ पर मसला ये है कि जितने बड़े बड़े ताजर हैं, यहाँ पर 23 मार्च से लेकर अभी तक एक मास से ऊपर कर्सा हो गया है, शॉप्स बंद हैं और उन्होंने जो मालिक हैं वो किराया मांग रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह बाकी सूबों में, सिंध में और पंजाब में जहाँ किराए की रिलीफ में हेल्प आउट किया, तो यहाँ इस्लामाबाद के लिए भी कोई ऐसा ऑर्डिनेंस पास करें कि यहाँ के जो ताजर हैं उनके भी कुछ मसाइल हल हों। तो मेरी आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पोस्ट को शेयर करें ताकि आला हुकाम तक हमारी बात पहुँचे। जजाक।